बहुत ठंडा हो रहा है पानी। पान कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है। नहा नहीं रहा तो? नहीं नहा रहा मैं। क्यों? बहुत ठंडा हो रहा है इधर। नहा यार। ओहो मित्र पहलाक, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप के आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड की इन प्यारी सी वादियों में। सुबह के बज चुके हैं 7 और धूप निकल चुकी है। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये बन चुका है मस्त सा गेट और आजकल इस पर फूल निकल चुके हैं और आजकल ही रहते भी हैं इस पर 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर बिल्कुल ही बंद सूख जाता है, पेड़ भी सूख जाता है अच्छे से। और ये थे हमारे गेहूँ जो कि थे उसमें, वो दिख रहा होगा पीछे टीन का, उसमें थे और पूरे गेहूँ ख़राब हो चुके हैं, तो इनकी चट्टी अभी धुलाई। ये देखो ये भी धो दिए हैं। ये थे आपके पूरे 2 या 3 क्विंटल गेहूँ होंगे जो कि इसमें थे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हमारे आलू हो रहे थे बहुत ही छोटे छोटे, गाँव का भी हर चीज छोटा गाँव चूर जस, तो हम लोग उबाल हुए ये बन हरी आलू खिकिर खैड़ नहीं खैड़ आलू खैड़ आलू बड़ी आलू खिकिर जे कछा तुम चोहल नहीं रहा कत्ते ना छोटा का भी हरी हूँ कत्ते इन चोहला कत्ते ना है। अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गधेरे में, वहाँ वाटरफॉल भी है, आप लोगों को दिखाएंगे वाटरफॉल भी। और नहाने के लिए भी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, दिन के बज चुके हैं 11:30। मेन जो रास्ता है वो है ये, दिख रहा है आप लोगों को ऐसे, यह है मेन रास्ता। पहले यहाँ पर था एक जगह पे नहाने वाला, इस बार यहाँ पर साफ़ हो गया है पूरा, ऊपर से मिट्टी उट्टी भर चुकी है उसमें। और एक जगह मेन रास्ते में था जहाँ पर रास्ता है, यह रास्ता यहाँ पर रास्ते के वहाँ पर भी था, वो भी पूरा तोड़ के ले गया है। गधेरा जब आया था पानी से पूरा टूट गया हो। और अभी हम जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ पर है वाटरफॉल, वहीं वाटरफॉल के नीचे नहाएंगे मस्त सा। और ये देख सकते हो आप इधर पूरे पत्थरों से, मतलब इधर पहाड़ पूरा टूटा हुआ है तो पत्थर आने की डर रहती है। अभी तो वैसे बंदर दिख नहीं, इधर बंदर और लंगूर दिखते हैं तो वो फिर पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। देखो इस तरह से इस बार पूरे गधेरे ने, जब इस बार जो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा वाली, बाढ़ वाड़ आई थी तो उस टाइम पर पूरा बहा के ले गया। वरना यहाँ पर काफ़ी अच्छा था नहाने वाला, गहरा भी था, 1 मीटर 1.5 मीटर गहरा था। और आजकल आप लोगों को दिख रहा होगा इधर पानी भी सूखते जा रहा है, नीचे नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। देखो यहीं तक है, यहाँ से सूखते जा रहा है नीचे को। आजकल गर्मी का टाइम आ रहा है ना तो पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे वो ऊपर उधर इधर आगे, उससे भी आगे। उत्तराखंड में अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत। बहुत ठंडा हो रहा है पानी। पान कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है। नहा नहीं रहा तो? नहीं नहा रहा मैं। क्यों? बहुत ठंडा हो रहा है इधर। नहा यार। फोन के हाथ में कैसे कांटे निकल गए देखो ठंड की वजह से। बहुत ठंडा हो रहा है पानी। नहाएगा तो सही, नहीं नहाएगा पहले तो ना।
अभी ऊपर से पत्थर आने लग गए शायद, इधर हो सकता है बंदर आ गया ऊपर। तो अभी हम लोग निकलते हैं नीचे, अभी कपड़े उधर ही चेंज करेंगे, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं इधर। हम लोग आ चुके हैं अभी नहा के नीचे को, वहाँ पर पत्थर वत्थर आ रहे हैं ऊपर से, पता नहीं कोई जानवर आ गया होगा शायद बंदर या फिर कुछ भी, तो ऊपर से पत्थर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आ गए नीचे और नहाना भी हो ही गया, उतना एंजॉय तो नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, क्योंकि बारिश नहीं, और बारिश कह पत्थरों की बारिश हो गई थी, मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे थे, पता नहीं दिख तो कुछ नहीं रहा था ऊपर जानवर को, पता नहीं कहाँ से आते बंदर तो है नहीं, बंदर होते तो दिख ही जाते। तो अभी चलते हैं घर को वापस, मेरी शर्ट छूट गई थी ऊपर, तो मैंने बोला पवन से जा लेके आ, पवन बेचारा इतना फट्टू वहाँ तक गया उससे जस्ट ऊपर, इसकी जाने में बिल्कुल ऐसे डर गए, ऊपर तक गए नहीं, वहाँ से तक गया हुआ तो वापस आ गया, बोल रहा है मैं नहीं जा रहा ऊपर। पवन आप कुछ कहना चाहेंगे इस? मैं गया था ये नहीं गया तो लायक नहीं, फिर तू तो वहाँ से वापस आ गया, ये डर के मारे आ गया नीचे को, ऊपर ही गया देखने के लिए, फिर मेरे को जाना पड़ा दोबारा। अभी हम लोगों का डाउट क्लियर हो गया, ऊपर से पत्थर क्यों आ रहे थे, पवन बोल रहा है भूत है, मैं अगली बार से नहीं आऊँगा आपके फिर नहाने, बोल रहा था अभी। तो ऊपर आए हैं बहुत सारे लंगूर, मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देख सकते हो आप लोग, ये नीचे को आ रहे हैं, इनसे गिर रहे होंगे ऊपर से पत्थर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां। और आज आ चुका है फिर से सेटी से राशन लाने का टाइम, पिछली बार भी गया था एक बार और इस महीने का भी आ गया है, तो हमारे वहाँ के लोग कुछ लोग तो कल ले लागे हैं कल, और दो तीन लोग आज के हैं, और चार पांच लोग हम अभी जा रहे हैं, अभी आगे से औरतें जा रही हैं, वो आटा भी नहीं, वो गेहूँ भी लेके जा रही हैं घर से पिसवाने के लिए चक्की में। ये जा रही हैं देखो हमारे वहाँ की औरतें गेहूँ लेके, गेहूँ को पिसवाएंगी भी वहाँ से, और आते टाइम पर चावल भी ले आएंगी। ये दिख रहा है यहाँ से सेटी बेलगांव, और इधर वाला एरिया सेटी धारीकोट का, यहाँ के गेहूं भी अभी काटने लायक हो चुके हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है मल्ली सेटी का। मैं पहुँच चुका हूँ अभी सेटी, और यह है इस बार जो सेटी का गधेरा है उसकी हालत कुछ ऐसी होगी इस बार, इतनी ऊपर था रास्ता है और इतने नीचे आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इधर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था, और इस साइड को देखो कितना गहरा हो गया इस बार। ये है वो स्कूल, यहाँ आते हैं हमारे गांव के बच्चे, जब हम यहाँ पढ़ते थे तब ये 6, 7, 8 का था, अभी ये इसमें 9 और 10 तक के क्लासें और जुड़ चुकी हैं, तो ये अभी हाई स्कूल तक हो गया, और हम लोगों ने भी यहीं से पढ़ाई की है, उस टाइम पर 8 तक था। और यह पीछे अभी ये बढ़ चुका है, इधर ये बन चुका है, और एक पीछे बन चुका है अभी, और अभी यहाँ पे पेंटिंग का काम भी चल रखा है। अभी राशन की दुकान यहाँ पे रोड के वहाँ पे, ये मेन रोड है बेताल घाट से रामनगर, और इसके जस्ट ऊपर ये रहा स्कूल, और अभी यहाँ से राशन लेते हैं, फिर राशन की दुकान, और अभी चल रहा है इन लोगों का वो थम रहा था ना अभी, तो वो लग रहा है, उसके बाद फिर राशन लेते हैं, ये पीछे पूरे कटते हैं। अरे मेरी बारी नहीं आई, इनकी बारी चल रही है। हम आ गए हैं वापस यहाँ पे नीचे से लेके, इन लोगों ने गेहूं लिए भी थे घर से, थोड़ा ले गए थे तो उसको पिसवाया भी था, और अभी लेके आ रहे हैं, और अभी दो बच्चे बढ़ गए हैं, दोनों स्कूल से वहाँ पर रुके हुए थे हमें, और अभी साथ में आ रहे हैं, 3, 3, 6, 2, 8 हम लोग 8 लोग हो चुके हैं, और शाम के बज चुके हैं 5, दिन ढल चुका है।
शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग अभी अभी घर पहुंच रहे हैं और अंधेरा भी हो गया पूरा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।